नमस्कार, मैं परंजॉय गुहा ठाकुर था और मैं न्यूज क्लिक में आपको स्वागत कर रहा हूं। आज मेरे साथ मेहमान है जगदीप छोकर जी, शिक्षक, अध्यापक, मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर उन्होंने बहुत साल पढ़ाया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में। आज वो एक नागरिक है, एक कार्यकर्ता है जो देश के लोकतंत्र को मजबूत करने की कोशिश में है। और उन्होंने बहुत सारे लोग थे मगर उनमें एक व्यक्ति थे जो स्थापन किया ADR, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। और आज जगदीप छोकर जी और उनके साथ वेंकटेश नायक, वो भी एक कार्यकर्ता है, वो भी ये सूचना का अधिकार का कानून को इस्तेमाल करते हैं। दोनों अपने व्यक्तिगत क्षमता यानी कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में एक दरखास्त किया, एक रिप्रेजेंटेशन किया 21 सितंबर के दिन। केंद्र सरकार का दो मंत्रालय, एक है गृह मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और एक है कंपनी अफेयर्स का जो मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये दोनों मंत्रालय का सचिव को इन्होंने चिट्ठी लिखा कि एक कंपनी सुदर्शन टीवी चैनल लिमिटेड, ये कंपनी को आप बंद कर दीजिए, क्योंकि कंपनी का जो कानून है उसमें साफ लिखा हुआ है अगर कोई कंपनी ऐसा काम करते हैं जो देश के हित में नहीं है, देश का अखंडता, देश का संप्रभुता और एक तरह से सार्वजनिक व्यवस्था को अस्थिर कर सकते हैं। और कह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट, भारत वर्ष के सबसे उच्च न्यायालय ने कहा कि इन्होंने जो बिंदास बोल करके एक कार्यक्रम किया 4 दिन 11 सितंबर 12 13 14, ये घृणा भरा, नफरत वाला ये ब्रॉडकास्ट किया कार्यक्रम एक समुदाय के लोग, मुसलमान लोग को उनके खिलाफ है। तो जगदीप जी, आप इस विषय के ऊपर अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चर्चा चल रहा है जब हम बात कर रहे हैं, तो इस समय आपने क्यों सोचा कि आप ये गृह मंत्रालय और कंपनी अफेयर्स का मंत्रालय को ये दरखास्त करेंगे कि ये कंपनी को बंद कर दीजिए, इसका कारण क्या है? देखिए, इसका कारण तो ये है कि पहले तो सुदर्शन टीवी ने एक अपना प्रोमो ट्विटर पे लगाया था, मुझे वो देखने का इत्तेफाक हुआ। मैं रेगुलरली खैर टीवी नहीं देखता हूं, लेकिन मैंने वो ट्विटर पे वो देखा तो मुझे लगा कि शायद वो ठीक नहीं है। मैंने उसके बारे में नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड एसोसिएशन जो संस्था है, अथॉरिटी, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी, maybe it is authority, but it is a it's a body in which several television channels are members. जी हाँ. I thought वो लोग हैं जिनका ये काम है, अगर कोई गलत काम हो रहा है तो उसको देखें। तो मैंने उनको चिट्ठी लिखा उनकी वेबसाइट से देख के, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि ये जो चैनल है सुदर्शन टीवी, ये हमारा मेंबर नहीं है, हम इनके लिए कुछ नहीं कर सकते, और आप मिनिस्ट्री ऑफ सूचना और प्रसारण मंत्रालय को आप चिट्ठी लिखिए। तो मैंने तभी सूचना और प्रसारण मंत्रालय को चिट्ठियां लिखी, उनका कोई मुझे सीधे सीधे तो जवाब नहीं आया, लेकिन मैंने मीडिया में यह पढ़ा कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के बहुत लोगों ने चिट्ठियां लिखी हैं और सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इस चैनल से मांगा है कि भाई आप स्पष्टीकरण दीजिए कि आप ये क्या बात है, और वो सब होता रहा। उसी बीच में कोई एक और आदमी हाई कोर्ट चला गया, कोई एक सुप्रीम कोर्ट चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे नहीं दिया लेकिन हाई कोर्ट ने उसको स्टे दे दिया। तो फिर ये मुकदमा चलता रहा और हाई सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने शायद ये कहा कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय इसको चेक करे और ये कंफर्म करे कि इसमें कोई गलती नहीं होगी। तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपने आप ये सब देख दुख के उनको कहा कि आप इसको प्रसारित कर सकते हैं,
लेकिन जो हमारा कानून है उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद इसके चार एपिसोड प्रसारित हुए, वो चारों एपिसोड को लेके फिर लोग सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने उन एपिसोड को देखा सुना और ये कहा कि ये तो ठीक नहीं है, इनका प्रसारण बंद करना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने उनका प्रसारण बंद करने का आदेश दिया। उसमें जो जो उन्होंने लिखा है वो मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये हर अखबार में बहुत सारे जगह में आए हैं। हाँ, जो जस्टिस चंद्रचूड़ का जो खंडपीठ है उन्होंने कहा, वॉन्टन डिसरिगार्ड फॉर द ट्रूथ, पैल्पेबली एरोनियस, यानी कि वो जानबूझ के झूठा खबर खबर इन्होंने कार्यक्रम में इन्होंने प्रसारित। जब वो सुप्रीम कोर्ट ने इस लगा दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है और कानून कानून है। अब सुप्रीम कोर्ट में ये चर्चा चल रही है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या होता है, कहां आप ब्रॉडकास्ट होने से पहले रोक लगा सकते हैं, कहां बाद में लगा सकते हैं। अब वैसे तो एक वो कहावत है हिंदी में, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अगर किसी ने कुछ ऐसी बात फैला दी जिससे एक समुदाय को नुकसान होता हो, उसके बाद आप उसको सजा देते रहिए, वो नुकसान तो हो गया ना। जो अंग्रेजी में कहते हैं, यू आर बोल्टिंग द स्टेबल डोर आफ्टर द हॉर्सेस हैव फ्लेड। हाँ, बाप ने मुझे कहा था हिंदी में बोलना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ हिंदी में। नहीं 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 जगदीप जी, आपने जो चिट्ठी आपने लिखा, आपने तो वो उसके बाद जब ये हम लोगों ने देखा कि ये सुप्रीम कोर्ट में तो चर्चा लंबी चलेगी और ये तो फिर एक बड़ा प्रिंसिपल के बारे में चर्चा हो रही है, तो वेंकटेश नायक और मैं, हमारे एक मित्र हैं वकील, उन वकील ने हमें सजेस्ट किया कि हमने उनको कहा था कि हम भी सुप्रीम कोर्ट में प्रत्याशी होना चाहते हैं। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में तो बहुत लोग हैं, हमें शायद कोई दूसरा तरीका अख्तियार करना चाहिए। फिर उन्होंने भी कानून पढ़ा और सबने पढ़ा और ये देखा कि कानून में एक प्रावधान है कि अगर कोई कंपनीज एक्ट के अंडर पंजीकृत कंपनी है और वो गलत काम करती है तो उसको बंद किया जा सकता है। और उसमें सबसे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एयरवेव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो टेलीकास्ट होता है ये पब्लिक एयरवे सार्वजनिक तरीके से ये निकलता है और ये पब्लिक एयरवेव्स का गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो ऐसे दो तीन बिंदु जब सामने आए तो हमने सोचा कि हम अब वो काम करते हैं, तो वो करने के लिए हमने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को चिट्ठियां लिखी है कि कानून का ये जो धारा 271 है कंपनीज एक्ट की, उसके अंतर्गत आपको इस कंपनी को बंद करने का अधिकार है, और ना सिर्फ अधिकार है, ये आपका आपकी ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है, और इसको आप बंद कीजिए और हमें बताइए क्या कर रहे हैं। नहीं जगदीप जी, यही मैं हमारे दर्शक को समझाना चाहता हूँ कि क्या लिखा है हमारे कंपनीज का जो कानून है जो 2013 का, उसमें आप लिखा है कि ये आप अब्यूज ऑफ कॉर्पोरेट फॉर्म, यानी कि कंपनी का जो 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 चरित्र है, जो चेहरा है, इसको इसका आप दुरुपयोग कर रहे हैं। आपने ये भी कहा कि अगर कोई भी कंपनी देश के हित में काम नहीं कर रहे या देश के हित के खिलाफ काम कर रहे, देश का जो 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 संप्रभुता सॉवरेंटी, देश का जो इंटेग्रिटी अखंडता और देश का जो सुरक्षा सिक्योरिटी, देश का जो और देशों के साथ जो जो हमारे जो संपर्क है, हम दोस्ताना चाहिए, पब्लिक ऑर्डर सार्वजनिक व्यवस्था, डिसेंसी शिष्टता, मोरालिटी नैतिकता, ये सारे लिखा हुआ है, तो आप कह रहे ये कंपनी, ये जो सुदर्शन टीवी चैनल लिमिटेड, ये सारे ये कानून का उल्लंघन किया और इन्होंने झूठा खबर
आप कह रहे हैं, वो अपने आप कहते हैं ये खोज ही पत्रकारिता है। और जैसे आपने कहा, एक बहुत बड़ा चर्चा चल रहा है कि सचमुच 19(1)(a) धारा में क्या लिखा है, जो हर नागरिक का एक मौलिक अधिकार है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। और आपने जैसे 1995 में जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय का सचिव के साथ क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल CABC का जो बहुत ही महत्वपूर्ण एक जजमेंट था, उसमें जैसे आपने लिखा, आपका चिट्ठी में साफ लिखा है कि ये जो एयरवेव्स है ये एक सार्वजनिक संपत्ति है, किसी निजी संस्था का नहीं, सरकार का भी नहीं है। तो उसमें भी ये लिखा है, ये जो हमारे दर्शक है, हमारे श्रोता है, इनके हित सबसे ऊपर है, और जो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं उनका हित नहीं है। तो ये सब आज जोड़ दिया, ये पूरा जो आज सुप्रीम कोर्ट में बातचीत हो रहे, बहुत सारे मुद्दा आ गया, क्योंकि सरकार कह रहे आप इनको नियंत्रण कीजिए, ये सोशल मीडिया को नियंत्रण कीजिए, टीवी के ऊपर नियंत्रण मत कीजिए। तो हमें आप जरा समझा दीजिए, आपका आपका सोच में क्या लगता है? आपने तो खैर बहुत बड़ी गुड़ हिंदी में अनुवाद करके बताया है, मैं थोड़ा सा आसानी से बता देता हूं। देखिए, बात यह है कि कंपनी जो बनती है, कोई कंपनी एक नेचुरल या प्राकृतिक चीज नहीं है। कानून में लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, पब्लिकली हेल्ड कंपनी, कई तरह की कंपनियां बनती हैं। वो इसलिए बनाई जाती हैं कि एक संस्था बने जो व्यक्ति से अलग हो और अपना काम व्यक्ति के बाद भी चलाती रहे अगर वो चाहे। तो कंपनी को लॉ में कहते हैं कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, ये एक कृत्रिम या नकली इंसान है जो कानून ने बनाया है, इट इज अ लीगल फिक्शन। तो कंपनी को बहुत से अधिकार दिए गए हैं ताकि वो अपना काम कर सके, और वो अधिकार जब सरकार ने कानून बना के या हम लोगों ने कानून बना के दिए, तो उन अधिकारों के साथ साथ कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। उनमें एक जिम्मेदारी यह है कि इट विल नॉट एक्ट अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, देश की जैसे आपने कहा अखंडता या जो भी है, और सिक्योरिटी, सुरक्षा, दूसरे देशों से अच्छे संबंध, पब्लिक ऑर्डर, सरकार, ये जो जनरल तान झाम है कानून का और दुनिया शहरों में गांवों में शांति रहती है उसको डिस्टर्ब नहीं कर सके, और डिसेंसी यानी के शराफत और मोरालिटी जैसे आपने कहा नैतिकता। तो ये एक कुछ फंडामेंटल चीजें हैं कि आप कंपनी बना के ये नहीं कह सकते कि मैं अब हमारी कंपनी का उद्देश्य है डाका डालना। आप कंपनी बना के इलीगल काम नहीं कर सकते। तो ये उसी में आता है कि ये जो काम कर रहे हैं वो कानून के मुताबिक नहीं है, और जहां तक ये साबित करने का सवाल है कि ये काम के उनके मुताबिक है या नहीं है, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने ही लिख दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा तो कोई सबूत चाहिए नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है सुप्रीम। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि ये काम गलत है, गैर कानूनी है, और अगर काम गलत है और गैर कानूनी है तो कंपनी को बंद करना सरकार का कर्तव्य है। हम सिर्फ उनको ये कह रहे हैं कि आप अपना जो आपका कर्तव्य है वो पूरा करिए, उसकी अनदेखी मत करिए। तो जगदीप जी, हाँ, तो आपने आपका जो जो चिट्ठी आपने जो गृह मंत्रालय के सचिव, कंपनी अफेयर्स मंत्रालय के सचिव को भेजा, उसमें आपने ऑल्ट न्यूज का एक लिंक भेज दिया। ऑल्ट न्यूज भी एक वेबसाइट है, उसका एक उन्होंने दिखाया कि एक बार नहीं, बहुत सारे उदाहरण हैं, ये सुदर्शन टीवी चैनल ने गलत खबर, झूठा खबर, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन एकदम इन्होंने वितरण किया, यानी कि ये पहला बार नहीं, इनके खिलाफ और भी लोग शिकायत किया, और आपने केरला का एक न्यायालय ने 50 लाख
एक बार इनके फाइन दिया, इसके ऊपर एक एक जुर्माना किया कि आपने मानहानि किया, यानी कि ये सुदर्शन टीवी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, एक इतिहास है। फिर भी बहुत लोग को लग रहे हैं इतिहास जो भी है, और आप दिखा रहे कि एनडीटीवी ने कोई हिंदू टेरर, हिंदू आतंकवाद के ऊपर आपने कोई कार्यक्रम किया, उसके ऊपर आपने कुछ पाबंदी नहीं लगा। ये विषय आज सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रहा है, क्योंकि दोनों दोनों जो जिसके खिलाफ आप आरोप लगा रहे हैं और जो जिन लोग आरोप लगा रहे हैं, दोनों एक ही बात कर रहे हैं कि ये अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता है, ये हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और जो 19(2) में जो लिखा हुआ है, जो व्यक्तिगत प्रतिबंधन, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, कौन बताएगा, कौन बताएंगे व्हाट इज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, क्या है युक्तिगत ये प्रतिबंधन, ये हमारे सबसे उच्च न्यायालय बताएंगे क्या? ये बताएंगे तो हम लोग ही, जनता बताएगी, क्योंकि न्यायालय भी कानून को पालन करता है, कानून जनता की उससे बनना चाहिए, हमारे प्रतिनिधि बनाते हैं लेकिन वो हमारे बिहाफ से बनाते हैं, लेकिन वो तो एक अलग बात है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये वो। आपने ऑल्ट न्यूज की बात की, बड़ा अच्छा किया, ऑल्ट न्यूज की जो हमने रिपोर्ट अपनी चिट्ठी के साथ लगाई है उससे तो ये साबित होता है कि जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हैबिचुअल ऑफेंडर, इनको ये जुर्म करने की आदत पड़ी हुई है, उससे तो ये है। लेकिन अब मैंने कल ही देखा के 22 तारीख का जो कि कल थी, ऑल्ट न्यूज ने एक और छापा है जिसमें इन्होंने जो 11 तारीख वाले प्रोग्राम हुए हैं चार, उनमें चीजें ऐसी निकाली हैं जो झूठ हैं। तो पुरानी जो इनका इतिहास है और हैबिचुअल ऑफेंडर है वो, तो वो भी अगर हम छोड़ दें तो इन्हीं प्रोग्रामों में 6 झूठ हैं जो ऑल्ट न्यूज ने साबित किए हैं, और उनमें ऐसी सी बातें हैं कि भाई हिंदुओं को पता नहीं शायद 31 साल तक उम्र अलाउड है, मुसलमानों को 36 साल तक है, हिंदू सिर्फ 6 दफा इम्तहान दे सकते हैं, मुसलमान 9 दफा इम्तहान दे सकते हैं। वो ऑल्ट न्यूज ने समझाया है कि ये गलत इसलिए है कि उम्र की जो रिलैक्सेशन है वो ओबीसी को भी है, चाहे वो ओबीसी हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो या सिख हो या ईसाई हो। तो ओबीसी मुसलमान और ओबीसी हिंदू और ओबीसी क्रिश्चियन और ओबीसी सिख और ओबीसी पारसी, सबके लिए उम्र की रिस्ट्रिक्शन अवेलेबल है। वही बात 6 दफा इम्तहान दे सकते हैं कि 9 दफा दे सकते हैं, वही बात है कि ओबीसी को वो अलाउड है, जो मुसलमान ओबीसी में गिने जाते हैं उनको भी अलाउड है। बल्कि ये बड़ा साफ साफ कानून में लिखा हुआ है कि ओबीसी की जो रिलैक्सेशन है वो तो मुसलमानों को अलाउड है, वो मुसलमान जो ओबीसी हैं, सबको नहीं, क्योंकि मुसलमानों में भी लोग हैं जो उच्च जाति के गिने जाते हैं। लेकिन ये लिखा है कि शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब की जो छूट है वो मुसलमानों को नहीं मिलेगी। तो कानून अपने हिसाब से जो है सो है, कानून में मेरे ख्याल में तो गलती नहीं है, लेकिन कानून में भी गलती हो सकती है। अगर कानून में गलती है तो उसको ठीक करने का तरीका है, तरीका ये नहीं है कि ये कहा जाए कि यूपीएससी जो कि एक संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो बेईमानी कर रही है। और एक उन्होंने एक मॉक इंटरव्यू दिखाया है जिसमें इंटरव्यू लेने वाला उस कैंडिडेट को कह रहा है कि आपका कैंडिडेट जो है, आपका इंटरव्यू जो है वो नॉर्मल नहीं होगा और आपको इसके लिए खास तौर पे तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आपकी उम्र और आपका जो धर्म है उसकी वजह से आपका इंटरव्यू नॉर्मल नहीं होगा। अच्छा, ये एक्चुअल इंटरव्यू तो है नहीं, वो किसी उसका संस्था का नाम दिया है जो ट्रेनिंग करवाती है। भाई अगर ट्रेनिंग करवाने वाली संस्था ये बता रही है तो उसमें यूपीएससी की तो गलती नहीं, यूपीएससी ने तो उनको लाइसेंस भी दिया ये करने का। उसका नाम है, मेरे पास था यहाँ, प्राइवेट
कोचिंग सेंटर कॉल्ड दृष्टि IAS, अब उनकी मर्जी। तो इसको ये कहना कि ये सारा एक कॉन्स्पिरेसी है कि मुसलमान IAS में चले जा रहे हैं, IPS में चले, और वो देश की जितनी अधिकारी वर्ग है, ब्यूरोक्रेसी है, उसको इन्फिल्ट्रेट कर लेंगे और फिर वो देश का सत्यानाश करेंगे, ये तो सरासर संविधान के कंप्लीटली खिलाफ है। और मैं तो ये समझता हूं कि इसके बारे में जो लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं उन सबको मेरी ये विनती है, गुजारिश है कि वो संविधान पढ़े और कानून पे थोड़ी नजर डालें। ये भी सभ्य समाज कानून के अंतर्गत चलता है। किसी भी डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का एक सबसे बड़ा स्तंभ होता है रूल ऑफ लॉ, ये कानून के मुताबिक समाज चलेगा। अगर समाज कानून के मुताबिक नहीं चलेगा तो फिर तो जंगलबाज हो जाएगा कि भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस। वैसे सभ्य समाज नहीं चल सकता। पहले तो समाज आज से 100 साल, 200 साल पहले, 1000 साल पहले ऐसी चलता था, लेकिन कानून, जब कानून है उसका पालन होना चाहिए, और अगर उसका पालन नहीं होता है तो हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि कानून का पालन करवाने की और करने की कोशिश करे, और खास तौर पे अगर कानून का उल्लंघन करके देश की अखंडता को खतरा होता है, देश के समाज में फूट पड़ती है, वो तो बिल्कुल बहुत ही गलत बात है। मैं आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या कहूं इस बारे में। जगदीप जी, हमारे जो साक्षात्कार आपके साथ है, हमारे जो वार्तालाप, ये खत्म करने के पहले मैं दो छोटा सवाल आपसे उठा ये, और संक्षिप्त में आप जवाब दीजिए। अभी तक कुछ जवाब मिला आपको? ये जो गृह मंत्रालय, कंपनी अफेयर्स का मंत्रालय, आपका चिट्ठी आप तो सार्वजनिक कर दिया, बहुत लोग किसके पास है, मीडिया में भी आपने मीडिया प्रेस रिलीज भी बना दिया, मगर ये गृह सचिव, गृह मंत्रालय के सचिव और कंपनी अफेयर्स मंत्रालय के सचिव, अभी तक कुछ जवाब मिला आपको? कुछ नहीं मिला। आपका उम्मीद है कि ये कंपनी को इन्होंने बंद कर देंगे? अगर उम्मीद ना होती तो हम ये करते क्यों? देखिए, देश की जो प्रावधान है, हम तो उसका पालन कर रहे हैं। हम सरकार को, गृह मंत्रालय और कॉर्पोरेट अफेयर मंत्रालय को ये कह रहे हैं कि जो कंपनी लॉ में लिखा है उसको लागू कीजिए। उसमें अगर कोई गलत बात है और हम कोई गलत बात कह रहे हैं तो हमको बताएं। हमने बल्कि अपनी चिट्ठी में यह भी लिखा है कि अगर कोई कानूनी कार्रवाई इस पे की जाती है तो हमें उसमें शामिल किया जाए ताकि हम अपना पक्ष रख सके, ये लिखा है उसमें हमने। जी। तो जगदीप जी, धन्यवाद आपका कीमती समय आपने न्यूज क्लिक के दर्शक को दिया, आपने बारीकी से और विस्तार से लोगों को, हमारे दर्शक को आपने समझाया क्यों आप ये कंपनी सुदर्शन टीवी चैनल लिमिटेड को चाह रहे हैं कि सरकार ये कंपनी को बंद कर। क्यों आपका कहना है, ये जिस तरह से घृणा भरा, नफरत वाला इनका जो सूचना इन्होंने वितरण किया अपने टेलीविजन चैनल में, ये देश के हित में नहीं है, देश का अखंडता और ये देश का सुरक्षा। ये सूचना नहीं है, ये झूठ है। ये झूठ है, ठीक कहा आपने, बिल्कुल। थैंक यू सो मच, अत्यंत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे, सुन रहे थे जगदीप छोकर जी, वो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का स्थापना बहुत सारे लोग के बीच शिक्षक है, शिक्षक थे, अध्यापक थे, और ये अपने व्यक्तिगत कैपेसिटी में, व्यक्तिगत इन्होंने किया, और अपने आप को आप ये भी कहते हैं कि आप एक नागरिक कार्यकर्ता भी।